क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं का माप पता कीजिए। ठीक है, तो इसका देखिए बेटा, हमारे पास जो आधार है वो है 4/3 सेंटीमीटर और जो परिमाप है वो बराबर है 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर। इसको पहले हम खोल लेंगे। आपको पता है कि जब भी ऐसा आ जाए तो जो इसका हर है उसको एज इट इज लिख देते हैं। अंश के लिए हम इन दोनों को गुना करेंगे, 15 × 60 और उसमें ऊपर वाला 2 प्लस कर देंगे, 15 × 60 + 2 = 62 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 62/15 सेंटीमीटर। अब मान लो बराबर भुजाएं बराबर एक्स, दो भुजाएं इसकी त्रिभुज की बराबर हैं, तो ये आधार था, ये हमारे पास है 4/3। ये जो दो बराबर भुजाएं हैं इनको हम मान लेते हैं एक्स सेंटीमीटर के। तो प्रश्न के हिसाब से तीन भुजाओं का जोड़ ही परिमाप होता है, तो एक्स प्लस तीसरी भुजा है 4/3, ये बराबर होगा 62/15 सेंटीमीटर के। अब यहां से देखिए एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x और यहां 62/15 पहले से है, 4/3 यहां इसके साथ प्लस हो रहा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अभी आ गया 2x बराबर 15 और 3 का हम लघुत्तम ले लेंगे तो वो आ गया 15। 15 को नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, 15 को 15 से भाग किया 1, 1 को 65 से गुना किया 65। बीच में निशान है माइनस का तो माइनस रहेगा। 15 को 3 से भाग किया 5, 5 को ऊपर 4 से गुना कर दिया 20। तो ये आ गया, देखो नीचे है 15 ऊपर है 65 में से 20 माइनस कर दिया 45। एक्स बराबर 45/15, 2 इधर x के साथ, ये वाला 2 इधर x के साथ गुना हो रहा है, यहां जाएगा तो भाग हो जाएगा। इसको यदि हम काटना चाहें तो ये देखिए 15 के पहाड़े में कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 5 × 3 = 15 और 5 × 9 = 45, 3 के पहाड़े में 3 × 3 = 3 और 3 = 9। अब ध्यान से देखेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया है 3 और नीचे हमारे पास बच गया है 1 × 2 = 2, तो x कितना आ गया 3/2 सेंटीमीटर। x कितना आ गया 3/2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालने हैं, क्वेश्चन देखिए, उसकी दो बराबर भुजाओं का माप। तो x बराबर भुजाएं किसके बराबर थी, बराबर भुजाएं थी x के बराबर, x आया है 3/2, इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर भुजाओं की माप बराबर x और x आया है 3/2 सेंटीमीटर के। ये आ गया इसका उत्तर। इस प्रकार से हमने दो बराबर भुजाओं का माप निकाल दिया। इसका एक और प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न 4 है, दो संख्याओं का योग है 95, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। याद रखना एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो पहली संख्या मान लो, ऐसे क्वेश्चनों में हमें किसी एक चीज को x लेना होता है, मान लो पहली संख्या बराबर x, ठीक है बच्चों, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इन्होंने कहा था एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो एक संख्या यदि x है तो इससे ज्यादा 15 ज्यादा क्या होगा, कई बच्चे लिख देते हैं 15x, वो हो जाएगा 15 गुना, हमें बोला गया है 15 अधिक। 15 अधिक का मतलब यदि कोई भी संख्या x है तो उससे 15 अधिक होगा x + 15, ठीक है, इनका योग दिया हुआ है 95, योग का मतलब x + 15, इन्हीं का योग हुआ ना, तो x + x + 15
बराबर 95। अब इसको हल करने के लिए बच्चों आपने पहले भी किए हैं ऐसे सवाल, क्या करना है, एक्स वाली रकम एक तरफ, बिना एक्स वाली रकम दूसरी तरफ। तो यहां हो गया एक्स प्लस एक्स, एक एक्स प्लस एक एक्स हो गया 2x, 95। 15 यहां इधर प्लस हो रहा था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा, उल्टा साइन यानी माइनस। ठीक है, तो यहां है 2x, यहां है बराबर 95 में से 15 निकाल दिए 80, 95 में से 15 निकाल दिए 80। अगले स्टेप में 80 दो इधर x के साथ गुना हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। ठीक है, प्लस माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना। तो ये दो इधर गुना हो रहा था तो उधर जाके हो जाएगा भाग, और जब ये भाग हो रहा है तो ये कट जाएगा आपस में, दो 80 से कट जाएगा 40। तो x कितना आ गया 40। अब हमें क्या चाहिए थी, हमारी संख्याएं। तो पहली संख्या देखो किसके बराबर थी, x के बराबर, और x किसके बराबर आया है 40 के बराबर। इसी प्रकार से दूसरी संख्या, देखिए किसके बराबर थी, x प्लस 15 के। तो x प्लस 15, x प्लस 15 का मतलब x कितना है 40, तो 40 प्लस 15, तो 40 में 15 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 55, सॉरी 40 में, देखिए 40 में 15 प्लस किए तो हमारे पास कितना आ गया 55। इसका मतलब उन्होंने कहा था दो संख्या निकालो, पहली संख्या है 40 और दूसरी संख्या है 95।